हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। अभी तक हमने ये सीखा कि कैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाई जाती है। उसके बाद हमने ये प्रॉमिस किया था कि हम रेटिंग्स की बात करेंगे, तो आज ही बोलेंगे जब हम रेटिंग्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो रेटिंग्स बेसिकली क्या है? जब आपके बिजनेस पर या आपके किसी प्रोडक्ट को लेके आपका कस्टमर आपके बारे में खुशी या दुख भरे कॉमेंट्स देता है, उसको हम रेटिंग कहते हैं, राइट? Amazon पे हम जाते हैं तो हमें रेटिंग्स देखने को मिलती है, 1 star, 2 star, 3 star, 5 star। 5 stars हम कंसिडर कर लेते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट हम खरीदने वाले हैं इस पर 5 star है, और 41 से 50 लोगों ने इस पर रिकमेंडेशन दिया है कि 5 star, दैट मीन्स खरीद डालो, वेट मत करो, तो हम उसको देख के खरीदते हैं। अगर किसी भी प्रोडक्ट पे 1 star रेटिंग हो तो हम डाउट करते हैं, हमारे में एक इमेज बन जाती है कि भैया ये तो क्लॉथ खराब आएगा, ये क्वालिटी खराब होगी, समथिंग विल बी फिशी। बट अब यही चीज़ अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड हो तब भी हम रिलायबिलिटी तभी दिखाएंगे ना जब 5 star होगी। तो 5 star की अहमियत तो है दोस्तों। अब वो लाई कैसे जाती है, कैसे हम अपने कस्टमर इनकरेज कर सकते हैं कि जब भी वो हमसे कोई प्रोडक्ट खरीदे या कोई सर्विसेज ले तो उसके बाद वो हमें 5 star ही दे, इसकी गारंटी हमें नहीं होती है। क्योंकि ऑब्वियसली हमें नहीं पता वो घर जाके क्या रिव्यू देगा, आप ऊबर से उतर के क्या रिव्यू देने वाली वो ड्राइवर को नहीं पता होता, वो तो सिर्फ आपके हाथों में है। बट क्योंकि मैं बिजनेस रन कर रही हूँ तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं जब मेरे को गूगल पे आके रेटिंग दे तो ऑब्वियसली कुछ दुनिया देखेगी, उसी पर मेरे आगे की फ्यूचर सर्विसेज डिपेंड करेंगे। तो आई विल मेक श्योर कि जब भी मेरा कस्टमर मुझे रिव्यू दे तो वो 5 star ही दे। इससे रिलेटेड हम टैक्टिक्स आज सीखेंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन माय बिजनेस की प्रोफाइल खोलनी है जैसे हमने पहले खोली थी। व्यूज प्रोफाइल पर क्लिक करना है, तो व्यूज प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे दुबई बिजनेस डाल के, तो ऐसे मेरी प्रोफाइल पूरी दिखने लग जाती है। यहाँ पे मेरी राइटिंग साइड पे देखें तो मेरी साइड डिटेल्स जो हमने पुट करी थी वो दिखेगी, हमारे वर्किंग आवर्स, हमारे कस्टमर्स एंड सो ऑन। और यहीं पर अगर हम नीचे देखें तो रिव्यूज का सेक्शन दिखता है जहाँ पे 2 Google रिव्यूज हमें ऑलरेडी शो करे कि 2 लोगों ने हमें ऑलरेडी रेटिंग दे दी है, राइट? अगर और रिव्यूज लेने हैं तो कैसे करेंगे? अब इसी में जैसे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है गेट मोर रिव्यूज का ऑप्शन, राइट? दोबारा देखते हैं, रिव्यूज़ के आगे ही 2 ऑप्शन है, ऐड अ फोटो और गेट मोर रिव्यूज़। ऐड अ फोटो, अब जैसे कस्टमर आपसे कोई सर्विस ली तो कस्टमर भी अपनी फोटोज़ दिखा सकता है, सपोजिटली उसको अच्छा सर्विस आपने दिया तो उसकी फ़ोटो क्लिक करके गूगल पे डाल सकते हैं और दिखा सकते हैं लोगों को कि देखो इतनी अच्छी सर्विसेज उन्होंने दी है, राइट? तो गेट मोर रिव्यूज़ के ऑप्शन पर क्लिक करेगा और यहीं से एक लिंक जनरेट हो जाता है, उसको आप कॉपी पेस्ट करके अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, कहीं पे भी अपने फ्रेंड्स, कस्टमर्स, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो आके आपकी सर्विस के बारे में कुछ कमेंट्स दे सके, रिव्यू दे सके। एंड इससे जब भी नेक्स्ट कोई कस्टमर आपके पास आएगा या फिर आपके बिजनेस को जानेगा तब वो ये रिव्यू पढ़ के आपसे अपनी सर्विसेज लेना है या नहीं लेना है वो डिसाइड कर सकता है। तो ये इसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, अब जाके सीधे से हम इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देते हैं। तो ये मैंने डिस्कॉर्ड खोला और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं शेयर कर दूंगी तो रिव्यू ऐसे करके मैं लिख दूंगी तो वो यहाँ से जैसे ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पेस्ट होने के बाद वो मुझे यहाँ पे रिव्यू दे सकते हैं, राइट? सो इट इज दैट इज। अब शेयर होने के बाद अब ये रिव्यू कैसे देखेंगे ये भी हमने देख लिया कि जब वो रिव्यू दे देंगे अपने एंड से तो यहाँ शो हो जाएगा। अब इसके सेकंड सेगमेंट में चलते हैं जहाँ पे हम रिव्यू एक्चुअली कस्टमर देगा कैसे, व्हाट विल बी द प्रोसेस, व्हाट इज द होल प्रोसेस ऑफ गिविंग अ रिव्यू, वो भी हम देख लेते हैं। अब जैसे मेरे पास लिंक है ऑलरेडी, राइट? मैंने अभी लिंक यहाँ पोस्ट किया, मैं लिंक पे क्लिक कर देती हूँ। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये ऐसे मेरे सामने पूरा मैप खुल जाता है, जो आपका कस्टमर होगा उसके सामने भी ये मैप खुल जाएगा। और जिस भी आईडी से उसने लॉगिन किया होगा, यहाँ पर मुझे साइन अप मांग रहा है तो साइन अप के लिए मुझे यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, तो हम फटाफट डाल लेते हैं। तो यहाँ पे कर लिया है मैंने लॉगिन, हम फटाफट से गूगल के सर्वर पे जाके वही सेम लिंक जो मुझे प्रोवाइड कराया गया है अभी एज अ कस्टमर, आई एम ट्राइंग टू शो यू कि उनको कैसा अपना दिखेगा अपने एंड पे, कैसे वो रिव्यू दे पाएंगे। तो सिमिलरली मैंने भी अपनी दूसरी आईडी से लॉगिन कर लिया है एंड आई कैन जस्ट सिंपली, अब जैसे मैंने ये लिंक यहाँ डाला, लिंक डालने के बाद मेरे सामने ये ऐसे करके पूरा पोर्टफोलियो खुल गया जहाँ पे वो मेरे से कह रहे हैं आप अपनी रेटिंग देख के यहाँ पे रिव्यू डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे
रेट करके अपने जो थॉट प्रोसेस है रिगार्डिंग द बिजनेस तुम्हें यहाँ डाल दूंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना रिव्यू भी लिख दिया है, रेटिंग दे दी, तो उस पर ना उसको पोस्ट कर सकते हो। जैसे ही मैं इसे पोस्ट कर दूंगी, आई कैन सी, हाँ मेरा यहाँ पे ये शो हो गया है, तो पोस्ट होंगे वो यहाँ शो होने लग गया है। सिमिलरली जो बिजनेस प्रोवाइडर होगा उसको भी अपने एंड पे वो नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो भी चेक कर पाएगा कि उनके प्रोफाइल पर आपने क्या रिव्यू दिया है। तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ रिव्यूज़ के ऑप्शन पे उनको भी वो सारी चीज़ें वो रिव्यूज शो होने लग जाएंगे। 3 रिव्यूज शो हो रहे हैं तो यहाँ शो होने लग जाएगा। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो तीनों रिव्यूज शो होने लगते हैं, तो यहाँ ऐड हो गया। तो इट इज़ दैट ईजी टू एक्चुअली कैसे हम अपने कस्टमर को बोल सकते हैं कि उसको कैसे रिव्यू देना है। और ये आज हमने ये भी देख लिया कि कैसे हम उनको वो लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे वो लिंक से अपने एंड से खोल के उसे रिव्यू करेंगे, वो भी हमने देख लिया। अब चलते बिल्कुल लास्ट सेगमेंट की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जब आप इस प्रोफाइल पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे योर बिजनेस ऑन गूगल दिख रहा है, यहाँ पे कस्टमर का एक ऑप्शन रहता है, इस पर जब क्लिक करते हो तो दो ऑप्शन शो करते हैं, तो रिव्यूज़ का जो भी हमने जस्ट सीखा। दूसरा ऑप्शन होता है मैसेजेस का, जिस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैसेजेस के ऑप्शन खुल जाते हैं। तो आप इसको अगर टर्न ऑन कर दो, यहाँ पे ऑप्शन है कि आप इसको टर्न ऑन करो, टर्न ऑन वेब नोटिफिकेशन और नॉट, जैसे आप इसको टर्न ऑन कर देते हो तो आपको नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाती है। तो जब भी कोई कस्टमर आपसे रिलेटेड कोई क्वेरी पूछेगा तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा क्वेश्चन और उसके रिगार्डिंग आप उसको आंसर दे सकते हो। दैट इज अ सिंपल चैट प्रोसेस विच गूगल प्रोवाइड्स यू फॉर फ्री, जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हो, उनकी क्वेरीज को आंसर कर सकते हो। इफ दे आस्क यू कि व्हाट आर योर आवर्स, इफ दे आस्क यू कि आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, व्हाट आर द प्राइसेस, तो आप वो सारी चीज़ों की क्वेरी फटाफट ऑन द गो दे सकते हो और सब लिए गूगल आपको नोटिफाई करता है। सो ये जस्ट आप ऑन कर लेना। इसके अलावा जो बिल्कुल लास्ट सेगमेंट है उस पर चलते हैं। द लास्ट सेगमेंट सेज क्या टॉप रीज़न हो सकते हैं कि हमें अपने कस्टमर से 5-स्टार रिव्यूज़ लेने ही चाहिए, या हमें फोकस करना चाहिए कि हमें जब भी बिजनेस बिल्ड करना है तो हमारी रेटिंग्स एटलीस्ट इन द मार्केट आर गुड, लाइक हमारी रेपुटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हमारी रेपुटेशन हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के केस में रेटिंग के थ्रू शो होती है, क्योंकि पीपल आर मोर रिलायबल ऑन द रेटिंग, वो रेटिंग देख के ही आपसे बिजनेस लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। सो एज पीपल आर वेरी पेक्यूलर अबाउट द रेटिंग्स, वी नीड टू फोकस कि कैसे 5-स्टार रिव्यूज ही हम लें। तो उसके लिए कुछ टैक्टिक्स हमने बना के रखे हैं, वी विल सिंपली डिस्कस। सो यू कैन स्टे ट्यून थ्रू टिल द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट सो दैट यू विल लर्न एंड ग्रो। सो यहाँ पे ग्रो योर कस्टमर्स बेस, तो पहले आपको अपना कस्टमर बेस बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने ब्रांड को पर्सनल रिकमेंड करना है, लाइक लोगों से बोलना है या अपने फ्रेंड से बोलना है, एंड इफ यू हैव सम इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स तो, या फिर किसी से भी, लाइक किसी भी ऐसे लोग जो जिन लोगों को आप जानते हैं, दोज हु कैन ट्रस्ट ऑन योर ब्रांड ईजिली, उनको टारगेट करना और बोलना है कि वो पर्सनली सबको जाकर रिकमेंड करें, या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स एक दूसरे को रिकमेंड करें। तो पर्सनल रिकमेंडेशन के थ्रू एक हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि इफ माई फ्रेंड इज सेइंग सो दैट डेफिनेटली आई विल यूज इट, राइट। तो पर्सनल रिकमेंडेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑनलाइन रिव्यूज में आप लोगों से बोल सकते हैं, अगर कोई आपकी सर्विसेज ले चुके हैं और वो आपकी सर्विसेज काफ़ी खुश है, तो आप उनको सिंपली बोल सकते हैं कि आप वो आपको 5-स्टार रेटिंग दें, ताकि आने वाले फ्यूचर कस्टमर्स भी उस चीज़ से रिलायबिलिटी शो करें। क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन अपनी रेटिंग्स नहीं डालोगे या लोग आपके बारे में कमेंट नहीं करेंगे, तो तब तक दूसरे लोग थोड़े डाइसी हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट को समझने को लेकर। नेक्स्ट इज हेल्प योर रैंक ऑन लोकल सर्चेस। जब आपकी रैंक बिल्ड होती है, आपकी रेटिंग अच्छी होती है, तो गूगल भी उसको रिकमेंडेशन लेवल पे आगे कर देता है। तो आप जब भी देखोगे कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हो, तो जो बेस्ट रेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो पहले आपको शो होते हैं। सपोज आई एम गोइंग फॉर द बैग और मैं इसे सर्च कर देती हूँ, तो जो बैग की रिकमेंडेशन होगी वो सबसे अच्छे रेटिंग वाले बैग्स होंगे, वो मुझे सबसे पहले गूगल शो करता है, एंड लीस्ट रेटेड नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो हमेशा भी देखोगे कि आपको 5 रेटेड प्रोडक्ट्स पहले दिखते हैं एंड सो ऑन। तो रेटिंग इज अ मस्ट इस वाले से मेरे हुए कि आपको ये ध्यान रखना है कि गूगल सर्च पे आने के लिए आपकी रेटिंग अच्छी ही हो। 5-स्टार रिव्यूज विल इंप्रूव योर एवरेज रिव्यू रेटिंग ऑन गूगल एंड कंसिडर दिस द की रैंकिंग फैक्टर।
नेक्स्ट इज प्रूवन टू इम्प्रूव सेल्स। अब जैसे आपकी रैंकिंग अच्छी होगी, आप लोकल सर्विसेज में आगे दिखने लगोगे तो क्या होगा, तो इसके साथ आपकी सेल्स जो होगी वो अल्टीमेटली बढ़ जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पर ये समझने के लिए कि पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने कस्टमर से रिस्पॉन्ड देने के लिए बोलना। और ये तभी, ऐसे नहीं कि जब उनका गंदा मूड हो तब आप जाके बोले, जब आपकी सर्विसेज एक्चुअली खुश हो, उनका मूड अच्छा है, तब आप सिंपली बोल सकते हैं कि प्लीज गिव अस द 5 रेटिंग ऑन गूगल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस टू ग्रो, राइट। फिर ऑनलाइन कॉन्वर्जेशन, अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन क्वेरी पूछ रहा है तो डू नॉट डिले इन रिस्पॉन्डिंग देम बैक। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जितनी जल्दी आप आंसर देंगे, जितना जल्दी आप लोगों से इंगेज करेंगे, जितनी जल्दी आप लोगों की क्वेरीज अटेंड करेंगे, उतना लोग आपको पसंद करेंगे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि आपको ऑनलाइन कॉन्वर्जेशन में इंगेजमेंट दिखानी है, लोगों से इंटरेक्ट करते रहना है। इंट्रैक्शन इज द की, विच वी से कम्युनिकेशन इज द की, राइट, इट्स येस। देन इंक्रीज और एवरेज रिव्यू रेटिंग। तो इस वाले केस में क्या है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज टू इंक्रीज योर एवरेज रिव्यू रेटिंग इज टू फ्लैग, रिपोर्ट एंड रिमूव फेक। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी रैंडम अननोन पर्सन आपके बारे में, क्योंकि फेक की कमी तो दुनिया में है ही नहीं और नेगेटिविटी की भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई आपको नेगेटिव कमेंट देके जाए तो उसको पॉजिटिवली लिए, अफर्मेटिव लीजिए, उसे इम्प्रूव कीजिए। अगर कोई रैंडम फेक डिटेल्स आपके बारे में डालते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आपके ऑनलाइन के प्रेजेंस के बारे में आप अच्छे से जानते हो, अवेयर हो। अगर कहीं भी आपसे रिलेटेड कोई गलत चीज़ हो रही है तो आप ट्राई करें कि उसे टाइम से सॉर्ट आउट करके कम्प्लीटली रिमूव करवा दीजिए। कि अगर आपके बारे में 1% भी कहीं पे नेगेटिव रिव्यू दिखता है तो लोग वहीं से आपके ऊपर ट्रस्ट होना शुरू कर सकते हैं। सो इट इज़ अ बिगेस्ट की कि आपको अवेयर रहना है, ध्यान रखना है, और अनफेयर रिव्यूज और फेक रिव्यूज को रिमूव करवाना है, रिपोर्ट करवाना है, और टाइम टू टाइम अगर कोई ऐसी गलती आपसे हो जाती है बाय चांस, उसको इम्प्रोवाइज करके वो भी ठीक करवानी है। तो जैसे सीखते हैं गिरते हैं संभलते हैं, तो वो चीज़ आपको कंटिन्यूटी में रखनी है और गलतियों से सीखना है, बट गलतियों को वहाँ डिस्प्ले पे नहीं रखना है, उनको भी टाइम के साथ रिमूव करवाते जाना है। दिस इज़ द अल्टीमेट की फॉर योर सक्सेस। तो ये चीज़ थी कुछ हमने जो लास्ट सेगमेंट में कवर करी है। इसके साथ साथ हम अब जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे। सो फॉर टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।